तो दोस्तों फिल्म सिटी की इस बिल्डिंग को कई बार आप लोगों ने मूवी में अदालत के रूप में देखा होगा, फिल्मों में अदालत दिखाई जाती है। तो दोस्तों फिल्म सिटी के इस बिल्डिंग को कई बार आप लोगों को मूवी में स्कूल या अनाथालय देखने को मिलता है। तो गाइस फिल्म सिटी के इस मंदिर को आप लोगों ने कई बार फिल्मों में देखा होगा, कई पुरानी फिल्मों में। तो दोस्तों यहाँ पे लगा है बिग बॉस का सेटअप, आप लोग देख सकते हो। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल उसको आपसे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली अभी हम लोग हैं मुंबई में, और मुंबई में खड़े हैं गोरेगांव एरिया में। जी हाँ दोस्तों, गोरेगांव फिल्म सिटी के अभी पास हम लोग खड़े हुए हैं। हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दादा साहब फालके, जो दादा साहब फालके करके ना चित्रनगरी करके, तो वो यहाँ पे हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो। और मुंबई की आप लोग फिल्म सिटी तो कौन नहीं घूमना चाहता। फिलहाल आज हम आप लोग को वही घुमाने वाले हैं, और यहाँ से चलेंगे अभी अंदर। और अंदर इसमें जो भी काफ़ी लोकेशन है जहाँ पे कई शूट होता रहता है, कई मूवियों में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे किसमें मंदिर है वो दिखाया जाता है, काफ़ी फिल्मों में पुरानी नई में दिखाया गया। एक हेलीपैड करके जगह है वो दिखाई जाती है, और एक क्या कहते हैं लोग कौन सी खंडाला वाली, खंडाला वाली पुलिया है वो भी कई लोकेशन में दिखाई जाती है। तो वो सारा कुछ इस वीडियो में हम दिखाने वाले, हेलीपैड वाली और वो मंदिर, वो सारा कुछ हम विजिट कराएंगे इस वीडियो में आप लोगों को। और अंदर दिखाएंगे कैसा नज़ारा है, जंगल होता है, क्या होता है, नदियाँ पहाड़ सब कुछ होता है ना। तो चलिए फिलहाल के लिए अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फिल्म सिटी के अंदर। तो गाइस अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से देख सकते हो आप लोग, इधर से अभी हम लोग आए थे गोरेगांव रेलवे स्टेशन से, फिर वहाँ से बस पकड़ी, बस से फिर आए हम लोग दादा साहब फालके चित्रनगरी फिल्म सिटी गोरेगांव मुंबई। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गेट है, और यहाँ पे सीआरपीएफ वाले खड़े रहते हैं, विदाउट परमिशन कोई एंट्री नहीं। अगर आप लोगों के पास कार्ड है एक्टिंग का, जो एक्टर का कार्ड होता है बनता है, वो अगर है तो आप लोग जा सकते हो। किसी भी अगर या प्रोडक्शन में आप काम करते हो तब आप जा सकते हो, मतलब पूरा इंक्वायरी करने के बाद आप जा सकते हो। खाली फालतू में घूमना है ना, पूरा फालतू में अगर जाने का है तो नहीं जा सकते भाई आप लोग। और या तो फिर वो बस जाती है, जैसे यहाँ पे बस खड़ी हुई है, इससे आप लोग जाके अंदर जा सकते हो। और हम लोग देखते हैं किससे जाते हैं, आप लोगों को बताएंगे अंदर चल के। फिलहाल के लिए अभी यहाँ से चलते हैं हम लोग अंदर, है ना। तो गाइस हम हैं और सोनू भाई हमारे साथ में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और हम लोग अभी फिल्म सिटी के अंदर पैदल ही घूम रहे हैं, शायद ये किसी ने ऐसा किया होगा, है ना। बिल्कुल, हम लोगों को थोड़ा सा मतलब अंदर पहचान थी, मतलब घुस गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब काम भी था थोड़ा यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, अभी काम था तो हम लोगों को आने का कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे। और अभी हम लोग काम करने के बाद अपना घूम रहे हैं, है ना। बिल्कुल, तो अभी हम लोग आ रहे हैं, तो जा रहे हैं आप लोगों को वो चीज़ दिखाने जो मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो वो वाला मंदिर आज आप लोग को दिखाते हैं, जो कि ज़्यादातर फिल्मों में दिखाया जाता है, आप लोग देखते हो। और देखते हैं आज हम भी फिल्म सिटी जब आए हैं मुंबई की, तो इतना तो देख ही लें। बिल्कुल, और पैदल घूम के कैसा लग रहा है सुनो भाई? अरे भाई मज़ा आ रहा है, पैदल मज़ा आ रहा है भाई। अभी चलते हैं लोकेशन पर, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इस फिल्म सिटी के अंदर दिखाने वाले हैं। ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, और ज़्यादातर हम आपको कैमरे से ही दिखा पाएंगे, और किसी का सेट तो दिखा नहीं पाएंगे, सेट पर शूट करना अलाउ नहीं रहता भाई। तो हम लोग जो आउटडोर होता है शूट के लिए जगह, वो चीज़ दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए बैक कैमरे को ऑन करते, ज़्यादातर बैक कैमरे से ही दिखाएंगे भाई। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं फिल्म सिटी वाले उस मंदिर के पास में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई सारी फिल्में शूट हो पा रही हैं। ये मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हो, मंदिर की दीवार है। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरे को ऑन करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, इसी वजह से चोरी छुपे से शूट करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये पूरा मंदिर का पोस्टर लगा हुआ है, और मंदिर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पास से दिखा देते हैं। यहाँ पे कुछ मूवियाँ भी शूट हो चुकी हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है, है ना, और दिलवाले, काफ़ी सारी मतलब मूवियों में आप लोगों ने इस मंदिर को देखा होगा। और जिस मंदिर पे ऊपर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले बात तो सेट लग रहा है, यहाँ पे एक वेब सीरीज यहाँ पे शूट हो रही है, उसी का ये सेट लग रहा है यहाँ पे, इसी वजह से शूट करना अलाउ नहीं है यार। ये देखो है ना दिक्कत वाली, सिम्बा वगैरह बहुत फिल्मों की यहाँ पे शूट हुई, पुरानी तो बहुत सारी फिल्में यहाँ पे शूट हो चुकी हैं। उसमें से मेरे को सबसे अच्छी लगी थी दिलवाले मूवी में, जब ये मंदिर को दिखाया गया था, तो सुनील शेट्टी है जब की माँ को मिलने आते हैं तो इसी मंदिर की सीढ़ियों पे वो बैठी रहती हैं। और सबसे खास बात है तो इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो अभी सेट लग रहा है, और ये मंदिर ऊपर सिर्फ चोटी दिख रही है, बाकी आगे का नक्शा ही भाई इसका मंदिर का बदल दिया यार। और मैं चोरी छुपके से शूट कर रहा हूँ अभी यार। यहाँ पे देखो गमले उमले का भी पूरा बनाया गया है, जो कि सजावट के लिए, यहाँ पे डेकोरेशन के लिए गमले यहाँ पे ट्रक में लद के आए हैं। और ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो पूरे सब वो सेट लगा दिए यार, कास्टबोर्ड के क्या कहते हैं उसको, प्लाई, प्लाई के पूरे सेट लगा दिए हैं। और पीछे थोड़ा हल्का वाइट वाइट मंदिर दिख रहा है बस यार। चलिए अभी देखो दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं, थोड़ा चोरी छुपके से शूट करें। तो वीडियो को आप लोग भाई सपोर्ट करो यार, चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चलिए अभी इधर से दिखा रहे हैं, इस तरफ से देख सकते हो मंदिर के प्लेन वाले, जो जितना भी प्लेन था ना यहाँ पे पड़ा हुआ, जो भी जगह थी उसको देखो पूरा महल बना दिया आप लोगों ने। देखो इसको किस तरीके से मतलब बना के उसको पूरा महल बना दिया है, पूरा प्लाई से। ये देख सकते हो पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है मंदिर,
और हम पहुंच तो फाइनली यहाँ पे गए थे लेकिन सही से शूट नहीं कर पाए। तो चलिए फिलहाल आगे चलते हैं, आगे है बागवान का सेट, जो बागवान फिल्म में देखा था आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का, घर वो वाला दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग खड़े हुए हैं एक पॉइंट पे, सेल्फी पॉइंट पे। यहाँ पे भी सोनू बताएगा कौन कौन सी फिल्में शूट हुई। सोनू बता कौन कौन सी फिल्में यहाँ पे शूट हुई। यहाँ तो बहुत सारी फिल्में शूट हुई हैं लेकिन हमें जहाँ तक याद है नगीना में जब ऋषि कपूर को श्रीदेवी हलवा खिलाती है ना कटोरे में लेके, हाँ, आती है श्रीदेवी खिलाती है हलवा, वो वाला सीन वो बराबर याद है मुझे। यहाँ पर लिया गया था, यहाँ पेड़ था, इधर ही चौतरा था, ये पीछे वाला सीन दिखाई पड़ता है, पीछे की लेक दिखाई पड़ती है। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पे चल रही है शूटिंग, जिसकी एंट्री वगैरह सब खड़ी है, शूटिंग वगैरह चालू है यहाँ पे, और हम लोग इसीलिए थोड़ा चोरी चुपके से शूट कर रहे हैं फिलहाल। अभी बैक कैमरे से दिखा देंगे, वो बैक कैमरे से दिखा देंगे ना जो यहाँ पे सीन लिया गया, अभी दिखा दें बैक कैमरे से कैसा दिखता है यहाँ पे नगीना फिल्म वाला जो सीन लिया गया था यहाँ से। तो गाइस नगीना मूवी में जो आप लोगों ने सीन देखा था एक, जहाँ पे ऋषि कपूर जी को खीर खिलाने लाती हैं श्रीदेवी जी, तो वो यहाँ पे बैठ के, देखो यहाँ पे बैठ के खीर खिलाती, तो वहाँ पीछे वाली झील भी आप लोगों को उस बिल्डिंग में, मतलब उस सीन में दिखाई पड़ती है, और ये जो पीछे के पोल लगे हुए ना ये वाले भी उसी मतलब सीन में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे पहली बात तो एक पेड़ के चबूतरे पे वो लोग बैठे होते हैं और नीचे की तो पूरी खाई खाई है, बढ़िया लोकेशन है। यहाँ पे एक पहले पेड़ हुआ करता था, मूवी को नगीना मूवी को आए काफ़ी दिन हो गए, तो उस पेड़ के चबूतरे पे ये बैठ के पूरा सीन फिल्माया गया था। इधर है ये पूरा बागवान का जो घर बनाया गया था अमिताभ बच्चन जी का, वो सेट है, इधर चल रही है शूटिंग, इसलिए फिर इधर नहीं जा सकते हम, बड़ा समस्या है आज जहाँ पे जा रहे हैं पूरा शूटिंग ही चल रहा है। बागवान वाला ये घर था जो दिखाया गया था अमिताभ बच्चन का, और यहाँ पे शूटिंग चल रहा, तो उसके लिए आर्टिस्टों के लिए पूरा यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरा ना पूरा तंबू वम्बू तान के इसी में बैठ के अंदर कुर्सियाँ उसे पड़ी खाएंगे आराम से बिंदास। ठीक, फिलहाल ये बताओ कैसा लगा जब यहाँ आए हम लोग, सब पानी फिर गए, यहाँ पूरा सेट लग रहा था किसी वेब सीरीज का, बट हम लोग जब आए यहाँ पे तो आप लोगों मैंने सब कुछ बैक कैमरे से दिखाया, चोरी छुपके से शूट करके, वरना दिक्कत हो जाती, मज़ा नहीं आ पाया, मतलब हमने दिखाने की कोशिश की है इधर उधर से, हम लोग ने पैसा लगा के नहीं आए थे, जुगाड़ लगा के पानी में चला गया, हम लोग जुगाड़ लगा के आए, पैसा लगा के जाको नहीं आया ना, पूरा पैसा मिल जाता यार, लग गया 100-200 लेकिन, अरे 100-200 में क्या होने का यार भाई, पर भाई अभी 700-800-2000 लगा के आते हम लोग जब तीनों लोगों का बोल रहे थे, तो यहाँ पे आते तो दिखाते क्या पूरा मंदिर के पास पूरा सेट, उसको मंदिर का नक्शा ही चेंज कर दिया यार, माल वो कहाँ लेके जाता वहीं से टॉप दिखाता हूँ, तो बस दिखता नहीं वहाँ पे चोटी का ये झंडा दिखता हिलते हुए, और उसमें मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं रहती, मैंने उस पर पूरा बैनर पे दिखाया हुआ है, उसमें नॉर्मल खाली रहता है। उम्मीद के साथ आए थे यार 3-4 वीडियो, और हम तो इतने दिन से मुंबई में थे, उम्मीद ही थे कि आखिरी वाले दिन चलेंगे पूरा घूमेंगे। फिलहाल फिल्म सिटी का दिखाते हैं बाहर से नज़ारा, पूरा अंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं, और झील है, और पूरे पेड़ जंगल सब है इसी के अंदर, सोचो सबको शूट इसी के अंदर जा जाता है। तो देखो गाइस इसमें ये पहाड़ हैं पूरी 500 एकड़ में फैली हुई है ना, ये जंगली रास्ते सभी देखो यहाँ से वहाँ तक शूट होते रहते हैं पूरा CID वाड़ी में। अभी वो वाला सेट दिखाते हैं, ये वाला दिखाओ चल के, फिल्म सिटी में आए हैं तो सेट तो एक दो दिखाने चाहिए, ये हॉरर फिल्म वाले जो शूट करते हैं सीरियल वाले वाले आओ दिखा, खंडाला वाला, और खंडाला का वो व्यू पॉइंट भी दिखाएंगे जहाँ पे खंडाला पे, हाँ बहुत सारा वो सीन दिखाया था, वो टर्निंग वाला बस वाला जब कहीं कोई आता है बस से तो वो वाला टर्निंग वाला सीन बहुत दिखाया, टर्न वाला पॉइंट बहुत दिखाया जाता। फिलहाल हम चल रहे हैं भाई खंडाला पॉइंट पे, इधर से ही निकल चलेंगे उधर से, है ना सोनू, आओ इधर से निकलते हैं ना, अभी चल रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हॉरर सीन वगैरह लिए जाते हैं जब भी, अभी यहाँ पे दिखाएंगे आप लोगों को वो लोकेशन जहाँ पे हॉरर फिल्म या वेब सीरीज या क्या कहते हैं सीरियल वगैरह शूट होते हैं, तो कहाँ से सीन लिया जाते हैं देखना भी, इधर हैं तो पूरे रास्ते ये देखो यहाँ से दिखेगा आपको आज फिल्म सिटी का नज़ारा। अबे उधर लोग भी हैं, फिलहाल के लिए ये सेट हम यहीं से दिखा देते हैं, वैसे ये हॉरर फिल्म के लिए है यहाँ पे, और पर आगे CRPF वाले बैठे हुए हैं, दिक्कत तो इसी बात की है, ये है ना पूरा जंगलों के खाड़ियों के बीच में है, ऊपर पहाड़ वहाड़ भी हैं, तो पूरा लुक आता है एक हॉरर वाला फिल्म वाला, यहाँ पे हॉरर सीन जो यहाँ पे लिए जाने उनका पूरा सा आता है, ऐसे अंदर से दिखा पाते लेकिन इधर बैठे हुए हैं CRPF वाले, चूँकि ऐसी ऐसी लोकेशन पर जाने से मना करते हैं क्योंकि वहाँ पर शूटिंग वगैरह हो रखी होती, तो आम आदमी का घुसना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ये देख सकते हो आप लोग, इसलिए चलिए आगे चलते हैं और खंडाला व्यू पॉइंट पर चलते हैं। देखो यार सोनू वोनू आगे भागत हैं यार, पता नहीं क्यों आगे भाग रहे हैं हमको छोड़ के फिल्म सिटी में अकेले, और कोई ऐसा ही होगा कोई मुश्किल से जिसको अकेले पूरा घूमता है पैदल, हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं भाई पूरा।
तो सोनू अभी कहाँ आ गए हम लोग? खंडाला का ब्रिज, यहाँ पे तो सेट बना हुआ था हमें लग रहा कोई, हाँ कुछ सेट बनना है यहाँ पे क्योंकि सामान पड़ा हुआ। ये भाई ये बहुत फिल्म में देख चुके हैं, ये पुलिया, ये पुलिया खंडाला फिल्म सिटी पॉइंट, खंडाला फिल्म सिटी पॉइंट है ना ये, और बहुत फिल्म में देखे हैं बहुत। पानी कहाँ, सड़क है इधर तो। यहाँ पे सेट भी कोई लगा गया था यार, पूरा सेट का यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। और ये जो पुलिया आप लोग देख रहे हो, पुलिया जो है काफ़ी फिल्मों में है, भोजपुरी की काफ़ी हिंदी फिल्मों में बहुत में है ना ये, ये तो तमाम फिल्मों में दिखाई, तमाम फिल्मों में। ये मोड़ बहुत यहाँ की फेमस है, ये जो मोड़ है ना ये काफ़ी फिल्मों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक एक फिल्म का नाम लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिल्म सिटी के अंदर ये फिल्म सिटी वाली पुलिया, खंडाला फिल्म सिटी पुलिया बोली जाती है ये। ये देखो ये मोड़ बड़ा है, मतलब यूनिक तरीके का यहाँ पे है, इसी वजह से इतना फेमस है। इधर से दिखाएंगे तो वैसे धूप है कैमरे पे, लेकिन यहाँ पे अभी एक गाड़ी भी खड़ी हुई है पुलिस वालों की भाई। लेकिन ये पुलिया भाई काफी फेमस, देखी है ना तुमने भी कई फिल्मों में, बहुत फिल्मों में देखी जाती है भाई ये वाली पुलिया जो है। गाड़ी खड़ी हुई है, इसके अंदर पानी वानी नीचे कुछ नहीं है, बट रास्ता ऐसे बनाया है क्योंकि सूट चलता है तो यहाँ पे पब्लिक तो हो ही जाती है, इसी वजह से यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा पुलिया के पास माहौल होता है। देख सकते हो फिल्म सिटी के अंदर का माहौल किस तरीके से, इसलिए ये यूनिक है क्योंकि यहाँ पे मोड़ बड़ा अच्छी है यार, बड़ी अच्छी मोड़ है यहाँ पे। देखो आगे और ये जंगल देख लो, ख़तरनाक वाले भैया, एक से एक जंगल का तई एरिया है पूरा फिल्म सिटी का, जो एक नंबर है भाई। अभी सोनू वहीं खड़ा है, कोई अपनी फिल्म की लोकेशन देख रहा है क्योंकि उसके चैनल पर फिल्म शूटिंग लोकेशन आती हैं। तो गाइस फिल्म सिटी की इस पुलिया को दिखाने के बाद हम सोच रहे हैं आप लोगों को ले चलें एक और बेहतरीन लोकेशन पर, जहां से आप लोगों ने कई फिल्में देखी होंगी, कहो ना प्यार है मैं, वो आइलैंड बनाया गया था जिस जगह पर भी चलने वाले हैं फिल्म सिटी के अंदर, और वेलकम मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो वेलकम मूवी में आखिरी वाला सीन आप लोगों ने देखा होगा जहां पे वो घर पहाड़ी से लटकता है, लास्ट में गिरता है, मधुमक्खी गिर जाती हैं उसमें, मधुमक्खी सभी भर जाती हैं घर के अंदर और फिर वो घर गिरता है, तो उसमें पूरा कॉमेडी वाला सीन होता है लास्ट फाइनल सिक्वेंस, ठीक है। वो वाला सब सीन कहाँ पर शूट किया गया था, यहाँ पर एक जगह है, जगह का नाम मैं आगे बताने वाला हूँ, वहाँ अभी हम लोग चल रहे हैं, पैदल ही चल रहे हैं। और अभी हम फिल्म सिटी के अंदर हैं, वो पुलिया वाला सीन यहीं पे तो लिया गया था, इधर वो ये रास्ता जाता है वो मंदिर की तरफ, जो फिल्म सिटी के अंदर मंदिर बनाया गया था, मतलब वो है मंदिर, ऐसे लोकल मंदिर है, उसको किसी भी फिल्म सीरियल वेब सीरीज में यूज कर लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए तो हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर वो सारे सीन लिए गए थे, वहाँ से काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है फिल्म सिटी का, तो आप लोगों को वहाँ से दिखाते हैं व्यू पॉइंट क्या है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे एक तिराहे पर, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ खंडाला घाट मंदिर, जो कि हम दिखा चुके हैं दोनों चीज़ें, खंडाला भी दिखा चुके हैं, मंदिर भी दिखा चुके हैं, और नीचे अभी चलने वाले हैं हेलीपैड, हेलीपैड आप लोग नीचे देख पा रहे हो, वहाँ पे चलते हैं अभी हम लोग, है ना। तो गाइस हम लोग जब हेलीपैड पर जा रहे थे तो यहाँ पे एक सीधा रास्ता है, एक इधर रास्ता है, इधर वाला रास्ता बड़ा डरावना हमें लग रहा है, काफ़ी सारी शूटिंग इधर होती रहती होगी, फिल्म सिटी ही है तो पूरा का पूरा शूटिंग तो चलता ही रहता है, और ऊँचे नीचे रास्ते हैं तो थक भी गए हैं यार, ये देखो ऊँचाई पर जा रहे हैं, काफ़ी नीचे से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं ना, गोदी में लेते हैं, गोदी में कहता तुम्हें गोदा में उठा ले सीधे। हेलीपैड कहाँ है बाबू, हेलीपैड कहाँ है भाई, सीधा चढ़ने में दिक्कत है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग काफ़ी ऊपर चढ़ के आए थे, मतलब जाने के लिए कहाँ, हेलीपैड, और पता चला यहाँ पे आके सामने हमने हेलीपैड देखा है तो वो वहाँ पे चल रही है शूटिंग यार, वहाँ पे भी कोई सेट लगा हुआ है यार, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, बट यहाँ से वो मंदिर क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, जो फिल्म सिटी के अंदर कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है। मैं बैक कैमरे से ऑन करके दिखाता हूँ, ये भी लोकेशन दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कई फिल्में शूट हो चुकी हैं, और ऊपर है हेलीपैड, वहाँ भी चलेंगे अगर दिखने लायक होगा तो दिखा सकते हैं भाई। तो यहाँ से अभी हम लोग आए थे, ये है सामने हेलीपैड वाला वो एरिया जहाँ पे वेलकम मूवी, कहो ना प्यार है, और कौन कौन सी शूट हुई कुछ पता है एरिया तुम्हें सुनो? नो एंट्री में घर गिरा देता है ना पूरा लास्ट वाला सीन, नो एंट्री नहीं वो वेलकम मूवी है, वेलकम मूवी में घर में भी तो रस्सी वाला होता है ना, हाँ नो एंट्री में रस्सी वाला सीन होता है जो लटकी रहती है सब, लटकी रहती है यार, वो सब आगे लिया गया था, वहाँ पे भी चलेंगे। फिलहाल यहाँ से दिखाते हैं फिल्म सिटी वाला वो मंदिर जहाँ पे अभी सेट लगा हुआ है, और कई बार अभी नीचे से भी मैंने कई क्लिप में दिखाया हुआ है, ये जो दिख रहा है चोटी ये है वही वाला मंदिर फिल्म सिटी वाला, जो कई फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, पूरे दिलवाले में देखा होगा, कई भोजपुरी फिल्मों में, कई पुरानी पुरानी फिल्मों में, यहाँ पे पूरा सेट लग रहा है, देखो ऊपर से दिख रहा होगा पूरा सेट इधर लगाया जा रहा है, वेब सीरीज का कोई शूट होना है यहाँ पे, तो पूरी है तो जंगल ही जंगल, जंगल और झील, जूम करें जंगल और झील ही है चारों तरफ, देख सकते हो आप लोग फिल्म सिटी में, और कुछ नहीं है, जंगल और झीलें हैं,
बाकी सभी सेट जो है अंदर बनाए जाते हैं, तीन सेट के अंदर ही सब सेट बना लिए जाते हैं। जैसे ऐसी ये खाली जगह जो पड़ी हुई है ना, इन्हीं पे अगर कोई सीन लेना होगा तो यहाँ पे वो बना लेंगे, अपना को पूरा कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, कैमरा ऑन करके नहीं चलेंगे, अगर ऊपर शूट करने पाए तो ऊपर ही चल कर शूट भी कर लेंगे। चलो फिलहाल चलते हैं, एक बार एक चांस तो लेते हैं, इतनी दूर आए हैं ना, तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर। वो सेट लग रहा है यार, इधर से ऑटो वगैरह आ रहा है, ये ले जा सकता है हम लोगों को ना। फिलहाल यहाँ पे लड़के रील वगैरह बना रहे, ये जो लोकेशन थी जहाँ भी हम लोग खड़े थे, कई फिल्मों में ये भी दिखाई जाती है लोकेशन, पानी वानी शूट करने के लिए बोलोगे तो ये देख सकते हो भाई। अभी ऊपर चल रहे हैं हम लोग, शूटिंग चल रही है, हम वीडियो बंद कर लेते हैं। तो गाइस आज हम लोगों का बैड लैक ही कुछ था यार, यहाँ पे देखो हेलीपैड का कुछ इस तरीके से नज़ारा दिखता है, आप लोग फोटो में ही देख लो भैया वहाँ पे चल रही है शूटिंग, तो मना कर दिया। वैसे हम खड़े तो शूटिंग के बिल्कुल बगल में ही हेलीपैड के हैं, यहाँ पे पोस्टर लगा है, यहाँ पे कई फिल्में शूट हो चुकी हैं, जैसे कहो ना प्यार है, बजरंगी भाईजान, रईस है ना, काबिल, ऊपर आप लोग हिंदी में देख सकते हो, वो सब मूवियों के नाम ही लिखे हुए हैं। और ये वो एरिया है जो हेलीपैड के नाम से यहाँ पे जानी जाती है, जो कि काफ़ी ऊँचाई पर है, टॉप पे है, एकदम पहाड़ी पे, और यहाँ से एकदम खाई लगती है। तो है ना वो वेलकम वाले सीन, वो नो एंट्री वाला सीन, बजरंगी भाईजान वाले सीन, मुन्नी मुन्नी आती इधर से है ना, वो काफ़ी सारी हिंदी में देखो ऊपर यार। तो हेलीपैड पे भी अभी गए हमने, दिखाया वहाँ पे बोर्ड, सिर्फ आप लोगों को दिखा पाए क्योंकि बोर्ड का शूट करने से वो दिक्कत नहीं कर रहे थे, और वो भी मैंने आवाज़ वगैरह नहीं डाली, दिक्कत भले करते लेकिन हमने ऐसे ही बना लिया जल्दी करके। और वहाँ पे भी यार नहीं अलाउ किया क्योंकि दूसरे के सेट की शूटिंग जब चल रही हो तो दिक्कत हो जाती है, नहीं बनाने देते वो लोग, मतलब खड़े भी नहीं होने देते। वो तो अलग बात है, हम लोगों को आर्टिस्ट समझ रहे हैं कि आर्टिस्ट हैं, बस घूम रहे हैं क्योंकि ये बैग बैग पूरा ये डाल रखा है ना, तो प्रोफेशनल लग रहे हैं पूरा सा, बट वो कह रहे हैं ना कि भाई दूसरे के सेट पर अलाउ नहीं है तो आप जा सकते हो, इसी वजह से हमने कहा कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यार काफ़ी दिक्कत हो रही है यार, क्या घूमना फिर क्या दिखाना अगर आप लोगों को हर चीज़ ना दिखा पाए तो। तो गाइस अभी हम वापस लौटते लौटते जा रहे, तो यहाँ पे हमें दिख गया बिग बॉस का सेटअप। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस का सेटअप यहाँ पे बनाया गया, आप लोग देख सकते हो कुछ कैमरा हिल रहा है चोरी छुपके से शूट करने की वजह से, एंट्री यहाँ से हो रही है। देखो सलमान खान भैया यहीं पे बिग बॉस में शूट करने आते हैं, ये जो सेटअप बना हुआ यहाँ से एंट्री है, और अंदर पूरा बड़ा सेट बना हुआ है भाई बिग बॉस का, जहाँ पे सलमान खान खुद खड़े होकर बिग बॉस को होस्ट करते हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही हम आगे थोड़ा सा आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे जनरेटर जो दिख जाते हैं हमको खड़े हुए, क्योंकि फिल्म सिटी में एंट्री वैन में मतलब लाइट वाइट देने के लिए यूज़ होते हैं ये सब, सारे के सारे जनरेटर ही खड़े हो। पास में ही यहाँ पे लगा हुआ है बिग बॉस का सेट, और इधर भी सेट लगे हुए देख सकते हो, पर नाम जो है फ्रंट से ही नज़र आते हैं कि क्या क्या सेट लगे हुए। इन्हीं तीन सेटों के अंदर ही सुपर डांसर द कपिल शर्मा शो, बिग बॉस, ये सब अंदर इन तीन सेटों के अंदर ही बने होते हैं, तीन के सेट जो बने हैं इन्हीं के अंदर बने होते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पे तो काफ़ी सारी मतलब सोनू वोनू आगे निकल चुका है, पर यहाँ पे ये जनरेटर खड़े हैं, इस तरीके से जनरेटर होते हैं SM फिल्म पावर करके है ना, इन्हीं से सबसे पावर जाता है 20 वैन वगैरह में, या सेट के अंदर तो लाइट ही रहती है, पर हो सकता है जनरेटर भी यूज होते हैं, पर 20 वैन में दी जाती है इनसे, हमने देखा है 20 वैन वगैरह जहाँ तक खड़ी कर दी जाती है वहाँ साथ में ये जनरेटर भी जाते हैं, और पूरा सेट का लाइट का ये उठाते हैं पूरा लोड। ये देखो सेट बने हुए हैं सारे के सारे, इनके भी नीचे हम लोग घूम रहे हैं। चलिए आगे और भी सेट दिखाते हैं एक दो, यहाँ शूट होते रहते हैं। थोड़ा सा और आगे आते तो यहाँ पर भी एक सेट बन रहा है, देखो ऊपर से त्रिपाल का रहता है बट नीचे से पूरा ऐसे ही रहता है। सब रंग सतरंगी कौन सा है सर? सब सतरंगी सोनी सब पे आता है, सोनी सब पे आता है। आगे मेन गेट दिखाया गया है, विंडो डोर लगा है, डोर खोल देगा तो इजी गिर पड़वा पक्का से। कहाँ पे? ये देखो वाह भाई क्या गाड़ी है, फोर्ड का बंगला का, ये बंगला बना हुआ है आगे से तुम देखोगे ऐसे, जैसे आगे नहीं सेट दिख रहा बंगला, हाँ आगे से जो दिख रहा है ऐसे करके साव आ रही है, इधर भी आगे से देखोगे ऐसे दिखेगा, और दरवाजा खोलोगे खिड़की खोलोगे तो इधर तो बाहर गिर जाओगे, अंदर गिर जाओगे जो खिड़की खोलोगे तो ना। लेकिन एक चीज़ देखा, छत नहीं बनाई जाती इनके सबकी, छत ऐसे धूप और उससे कवर करने के लिए मात्र ऐसे ये बांस के बना दिया जाता है, तीन सेट इनके ऊपर पन्नी डाल दी जाएगी, अंदर छत का कभी सीन लेते ही नहीं देखा होगा तुमने ना, दो मंजिल भी बना देंगे तो इतने में बना देते ये लोग। अभी देखना उधर देखो आगे का, इधर भी आगे का मस्त, दो मंजिल है ना इधर का, इधर भी आगे से देखोगे एकदम मस्त दिखाया होगा, पीछे देखो कैसा, पीछे तो ऐसा बना हुआ है बांस का, इधर से कुछ बांस का बना हुआ है, और इधर आगे से गेट देखोगे तो यहाँ से काफ़ी खूबसूरत अंदर से बनाया गया, अंदर ये देखो देख सकते हो छोटे छोटे तीन सेट लगे हुए, वरना पूरा का पूरा आप लोगों को दिखा देते। ये सोनी TV पे आने वाला है भाई,
यहाँ पर देख सकते हो आप लोग काफ़ी जो है सेट लगे हुए हैं। यहाँ पे भी एक सेट लगा हुआ, देखो तीन सेट ही है ना, यहाँ पे सब सेट के अंदर ही काम होता है। आप लोग अगर सोच रहे हो कि भाई सिर्फ फिल्म सिटी में हम आके सबको हीरो एक्टर या शूटिंग ऐसे ही देख लें, ऐसे कुछ नहीं होता भैया, शूटिंग पे अलाउ भी नहीं करते लोग, बाकी ज़्यादातर काम तो सेट के अंदर होते हैं। और इधर देखो गार्डन है, इसमें भी काफ़ी सारी गाने वाने की शूटिंग चलती रहती है, जब भी होती है तो गार्डन वार्डन का यूज़ कर लेते हैं इसी में। और अभी यहाँ पर कुछ काम भी चल रहा है, देखो ये दो लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम पूरा फिल्म सिटी के अंदर घूम रहे हैं, 500 एकड़ की ये फिल्म सिटी है और पैदल ही हम लोग घूम रहे हैं जितना घूम पा रहे हैं भाई। तो गाइज़ इधर एक कॉलेज का सेट लगा हुआ है जिसको अभी वहाँ पे शूटिंग चल रही है, हमने अभी जब निकले थे वहाँ से तो शूट चल रहा था, तो इसीलिए वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे रिकॉर्ड छोड़ो वहाँ पे रुक नहीं सकता। अगर पूछ लिए तो किस तरीके से यहाँ पे आए हो पैदल, तो हम लोग पहले जाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास कुछ ऐसा कार्ड वार्ड नहीं है, जो भी अंदर घुसने का कार्ड वगैरह होता है ना, एक्टर उक्टर का वो नहीं है, आर्टिस्ट का जो कार्ड होता है। अभी तो हम ये जो सेट यहाँ पे लगा पूरा स्कूल का ही लगा हुआ, थोड़ा सा खड़बड़ा दिख रहा होगा पर अंदर से काफ़ी ये अच्छा है, अभी पीछे से थोड़ा थोड़ा सा हमें दिख रहा है अंदर से। आगे चलते हैं और भी सेट दिखाते हैं भाई। तो गाइस फाइनली अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं जहाँ पे एक स्कूल का सेट लगा हुआ है, परमानेंट सेट है। यहाँ पे जब भी स्कूल वगैरह की शूटिंग के लिए मतलब जब भी सीन लेना होता है तो यहाँ पर सीन ले लिया जाता है। हमारे सामने वो स्कूल का यहाँ पे सेट बना हुआ है पूरा का पूरा, मतलब इसके अंदर जो परमानेंटली बिल्डिंग भी बनी हुई है वो भी सेट ही समझो उनको, क्योंकि वो इसमें कोई रहता नहीं है, तो शूटिंग के लिए होता तभी हो जाता भाई। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं भाई। तो दोस्तों फिल्म सिटी वाला स्कूल दिखाने से पहले आप लोग को दिखा देते हैं, यहाँ पे एक सेट लग रहा है, या तो कंप्लीट नहीं है हमें लग रहा है, तो फिर कंप्लीट है लगा हुआ होगा, पीछे से कुछ इस तरीके से देखो दिखते हैं ये सेट, और आगे से देखोगे तो एकदम महल लग रहा है राजा महाराजाओं का, और पीछे से देखो किस तरीके से लग रहा है। और ये भी हम थोड़ा सा क्लिप दूर से ही बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी चल रही है अंदर भी शूटिंग, तो जहाँ पे सेट बने हुए होते हैं शूटिंग वहाँ पे चालू होती है, क्योंकि सेट शूटिंग के लिए बनाए जाते हैं, जैसे शूटिंग ख़त्म सेट को भी बिगाड़ कर रख दिया जाता है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों स्कूल की तरफ। तो फिलहाल के लिए अभी पहुँचे हैं हम वो स्कूल पर जो कि फिल्म सिटी में कई बार कई फिल्मों में या वेब सीरीज या सीरियल में दिखाया जाता है, आप लोग देख सकते हो। इसको कभी कभी अनाथालय बना लिया जाता है, तो कभी कभी स्कूल। यहाँ से भी हम लोग नीचे से अंदर से आ रहे हैं, काफ़ी सारे आपको कुछ सेट वगैरह दिखा के, है ना, काफ़ी सारी लोकेशन दिखा के। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे मतलब क्या कह रहे हैं, एक प्लेस देखने आए हैं शूट के लिए, क्योंकि कैमरा वैमरा भी उनके साथ में है। और देखो कुछ लोग जो है यहाँ का मुआयना कर रहे हैं इस जगह का कि किस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे सीन लेंगे तो परफेक्ट रहेगा लोकेशन की नहीं। ये रास्ता तो यहाँ पे देखिए ऊंचा नीचा रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरी पहाड़ियों पर ही फिल्म सिटी बसी हुई है, पूरी जंगल ही जंगल है। ये देखो ये लोग खड़े हुए, ये लोकेशन देखने आए हैं, पहले शूट होने से पहले लोकेशन देखने आते हैं कि शूट के लिए परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है भाई। तो आगे थोड़ा सा हम और आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अदालत, ये आगे स्कूल है, ठीक है, जहाँ से अभी हम लोग आए हैं। और यहाँ पर लगा है एसके टीवी वालों का सेट, एसके टीवी जो है प्रोडक्शन कंपनी होगी उनका जो है यहाँ पे सेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो परमानेंट हाई कोर्ट बना हुआ, हाई कोर्ट कह लो, सुप्रीम कोर्ट कह लो, कोर्ट कह लो, फिलहाल कई फिल्मों में आप लोगों ने ये बिल्डिंग जो है कोर्ट के रूप में देखी होगी, हाई कोर्ट के रूप में। यहाँ पे भी कुछ सेट लगा हुआ है जो कि दूर दूर से ही हम जो छुपके से भैया शूट कर पा रहे हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो गाइस अंदर हमने 2 से 3 घंटे बिता लिए हैं जो कि पैदल ही घूमे, और वापसी आने का टाइम हमने किया था ऑटो, और घुसे कैसे थे वो हम आपको नहीं बता सकते कि हमें कैसे कहते। फिलहाल अभी के लिए हम लोगों ने घूम लिया है मुंबई का फिल्म सिटी, और जो जो लोकेशन पे मैं गया वो वहाँ पे ज़्यादा शूटिंग ही चल रही थी। देखो मैं जब मंदिर के पास गया तो वहाँ पे भी सेट लगा था यार, तो वो भी दिक्कत हो गई, थोड़ा सा नहीं दिखा पाए। बागवान के वहाँ पे गया था, वहाँ भी सेट लगा था जो बागवान वाला था ना वहाँ पे, लेकिन जो नगीना फिल्म का शूट हुआ था वो मैंने लोकेशन आप लोग को दिखाया। और हेलीपैड गया जहाँ पे वेलकम वेलकम वाला, नो एंट्री वाला, और ये सब सीन शूट हुए थे ना, वो वहाँ पे सुल्तान का हुआ था, वहाँ पे काबिल का हुआ था, है ना, वहाँ पे रईस का हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी सारे शूट हुए थे, लेकिन वहाँ भी सेट लगा था। वहाँ पे तो एग्जैक्ट शूटिंग चल रही थी, तो शूटिंग हम लोग थोड़ी देर खड़े होकर देखे भी 2-4 मिनट, तो तब तक देख लिया हम लोग को स्पॉट कर लिया कि भाई यहाँ पे दूसरे का सेट पे अलाउ नहीं है, वो लोग आर्टिस्ट ही समझ रहे थे, थोड़ी देर के लिए समझे तो अच्छा लगा। पहले फिल्म सिटी के अंदर घुसना बिना परमिशन के तो अलाउ नहीं है, आप लोग घुसना भी मत कभी भाई, हम लोग भी परमिशन से ही गए थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और ये था, लेकिन ऐसे नहीं घुस सकते आप लोग, यहाँ पे जब आओगे तो आप लोग को सारा आइडिया हो जाएगा। आप लोग बस से घूम सकते हो, जो कुछ 600-800 रुपये होगा वो आप पे करके घूम सकते हो, वो पूरा आप लोग को इसमें घुमा देंगे, ठीक है। कई जगह पर उतारेंगे भी आपको, उतर के घुमाएंगे, जैसे मंदिर के पास उतार के भी घुमाते हैं, तो वो उनकी जिम्मेदारी रहती है, आप टिकट लेते हो उसी वजह से जा सकते हो। फिलहाल के लिए अगर सही से घूमना है तो ऑटो वगैरह कर सकते हो, लेकिन ऑटो वगैरह लेके नहीं जाते अंदर, परमिशन ही नहीं देता, जब तक आपके पास कोई कार्ड वगैरह नहीं है अंदर नहीं जा सकते आप लोग। फिलहाल के लिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, फिर कभी आएंगे नए वीडियो बनाएंगे, अच्छे से वीडियो बनाएंगे। अभी कार्ड वगैरह हम लोगों के पास था नहीं और दिक्कत हो जाती, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चाहे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन पर क्लिक कर देना, इंस्टाग्राम पर अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किया है
यहाँ पर यूजर नेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो करिए। और काफ़ी मेहनत हमने की इस वीडियो को बनाने में, अंदर पैदल घूमे, कई जगह पे विजिट किए हैं, रिस्क लिया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग का भी हक बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें दोस्तों। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।